अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज हम बेलगाम शहर के इस रेलवे स्टेशन के सामने, जिसे गोवा बस स्टैंड कहा जाता है, यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर कई सारे लोगों ने आज मुतालबात पेश करते हुए डिमांड अपनी मुतालबात रखे। MLA आसिफ राजू सेठ यहाँ पर आए हुए थे। उनका कहना है कि यहाँ कई सारे गैर कानूनी कामों को अंजाम दिया जा रहा है, कई सारे गैर कानूनी काम हो रहे हैं। यहाँ पर बस तक अंदर नहीं आती, वहीं देसाई बिल्डिंग से वहीं से बाहर का बाहर जाती है, तो कई सारे मुसाफिरों को यहाँ पर तकलीफ हो रही है। तकरीबन यहाँ पर 200-250 लोगों के घरों का गुजारा इसी बस स्टैंड पर से होता है। लिहाजा उन्होंने MLA आसिफ राजू सेठ और CPI अल्ताफ साहब और कई दिगर यहाँ पर जिम्मेदारान तशरीफ लाए थे। कैंटोनमेंट के आले दिन किलेदार भी यहाँ पर मौजूद थे, साबिक कारपोरेटर फहीम नाइकवाड़ी भी थे। लिहाजा कई सारे यहाँ पर जो ऑटो रिक्शा स्टैंड ड्राइवर्स है, उनका भी ये कहना है कि यहाँ पर अंदर भी अगर एक प्रिपेयर्ड अगर ऑटो रिक्शा स्टैंड किया जाए तो उनके लिए भी बेहतर होगा। अगर बस दाखिल नहीं हो पा रही तो हमें यहाँ पर किराए मिलना बहुत काफ़ी मुश्किल है, लिहाजा इसकी वजह से हमारा गुजारा भी होना मुश्किल होता जा रहा है। लिहाजा उन्होंने इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने गुजारिश की और अपना मुतालबा पेश किया कि जल्द से जल्द यहाँ पर बसेस को अंदर दाखिल आने दिया जाए। और यहाँ पर कई सारे यहाँ पर दुकानात जो यहाँ पर दुकानें हैं, कई सारे स्टॉल्स है जो बंद है, उसका भी जो है उसे भी जल्द शुरू किया जाए, ताकि यहाँ पर लोगों की चहल पहल बढ़ती रहे, ऐसा उन्होंने मुतालबा किया। उम्मीद करते हैं कि MLA आसिफ राजू सेठ ने उन्हें एक भरोसा भी दिलाया है कि यहाँ पर जल्द से जल्द बसेस को पूरी तरह से यहाँ पर आने दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर जो साहिली इलाके में तकरीबन बसेस यहीं से जाती है। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। तो वो बस सब पूरी अंदर आपको लगती है, बस सीधी बस हमारे बस चार्ज भी जाने वाला नहीं, रिक्शे के अंदर भी बैठना मुश्किल है। सीधा अंदर ही मोड़ के सामने से एकदम फ्रंट पर रहती बस, और चार गाड़ियाँ हैं, खाली सुबह उठने ज़्यादा गाड़ियाँ भी नहीं है। ಸರ್ ಪಾಪ ಮಂದಿ ಭಾಳ ಬಂದ್ರೆ ಸರ್ ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತೇವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸರ್ಕಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ಪಕಡಲೇ ಪಕಡಲೇ ಗೈನಾ ಸಿಧಾ ಸಿಧಾ ಹೋ 500 और वो भी क्या है, दूसरे तक मैं बता रहा है 500 रुपये लेके, उससे अच्छा हमारे स्टैंड ही अंदर गया उधर है तो प्रॉब्लम ही सदी नहीं गई। बस स्टैंड जो इतना खर्चा करके स्मार्ट सिटी से बनाया गया है, इसे यूटिलाइज करें और जो भी पैसेंजर्स हैं, जो भी ट्रैवलर्स हैं, उनको आसानी हो, लेकिन ये यूज़ में नहीं आ रहा है। KSRTC और कैंटोनमेंट बोर्ड के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करके। वालेकुम। आज यहाँ पर हम गोवा स्टैंड जो स्टेशन के सामने है वहाँ पर मौजूद है।
ये जो हमारे सभी भाई है रिक्शे ऑटो स्टैंड वाले और ये शिवाजी अन्ना एक महीने से पीछे लगे थे कि यहाँ पर ये बस स्टैंड बंद है। तो हमारे जितने भी लोग जो कारवार डांडेली हल्याल मालवान सावंतवाड़ी और जो हमारे जितने भी खेड़े यहाँ पर हैं जो बसेस यहाँ पर आते थे वो टोटली बंद थे क्योंकि स्मार्ट सिटी में स्टैंड बनाया गया लेकिन कैंटनमेंट के अंदर है अभी तक। तो ये कैंटनमेंट वाले हैंड ओवर नहीं किए, केएसआरटीसी वाले उनको बस नहीं भेज रहे थे क्योंकि उनका पेमेंट का कुछ शेड्यूल था, इसलिए पब्लिक को प्रॉब्लम इनके वजह से पब्लिक को प्रॉब्लम हो रही थी। इसलिए हम लोगों ने सभी मिलकर एमएलए राजू सेठ साहब के पास जाकर अपना एक निवेदन दिए। आज राजू सेठ साहब यहाँ पर विजिट किए, सीपीआई को भी बुलाकर उन्होंने ताकीद दिया कि यहाँ पर जो भी है क्राइम जो भी हो रहा है उसको मेंटेन करो। और कंट्रोलर साहब थे केएसआरटीसी के, वो भी बोले बसेस हम चालू करेंगे। कैंटनमेंट के सैनिटेशन इंस्पेक्टर जो भी है वो भी आए थे और हमारे रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर भी आए थे कि अंदर एक हम स्टैंड रिक्शा ऑटो स्टैंड वो भी करके देंगे प्रीपेड, वो भी चालू होगा। तो हम सभी लोग मिलकर एमएलए साहब का धन्यवाद करते हैं, बहुत आभारी है कि सभी लोगों की तरफ से उन्होंने एक 250-300 फैमिली की फिक्र कर कर यहाँ पर आकर सभी हम उनके बड़े आभारी हैं, धन्यवाद। आमची मेन निवेदन क्या होता है म्हटलं तर रे बसच नाहीत, 25% बस बळा 100% 25% बस आम्हाला यायलेत, 75% भारजवर देसाई बिल्डिंगवरनं झालेत, ते बसेस आत यायला पाहिजे, बसचं सुविधा व्हायला पाहिजे, येणारे जाणारे लोकांची पब्लिकची सुविधा व्हायला पाहिजे, पब्लिकचे लई त्रास व्हायला इथं। आणि इथं आम्ही स्थायिक आहे, आम्हाला सांगून सांगून थकलो आम्ही या गोष्टीला।